नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका S4SSC में। आज के इस वीडियो में हम रमन मैग्सेस अवार्ड 2018 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि देखिए, दो भारतीयों को इस बार किया जाएगा सम्मानित रमन मैग्सेस अवार्ड से। तो चलिए देखते हैं आज का ये खबर क्या है। दो भारतीयों को इस बार दिया जाएगा रमन मैग्सेस अवार्ड। तो चलिए देखते हैं वो कौन से दो भारतीय हैं। पहला देखिए, भारत के सोनम वांगचुक और भरत वतवानी को इस बार रमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कौन से है देखिए, सोनम वांगचुक और भरत वतवानी। दूसरा देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, रमन मैग्सेस अवार्ड कुल 6 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस बार रमन मैग्सेस अवार्ड से कंबोडिया के युक छंग, ईस्ट तिमोर के मारिया डी लॉर्देश मार्टिस क्रूज, फिलीपींस के होवार्ड डी और वियतनाम के वो थी होवांग येन को सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विजेताओं को एक प्रमाण पत्र, फिलीपींस के नेता रमन मैग्सेस के चित्र वाला मेडल और धनराशि दी जाएगी। यह सम्मान उन्हें अगस्त 2018 में फिलीपींस में दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भरत वतवानी के बारे में, जिन्हें मिल रहा है रमन मैग्सेस अवार्ड जो कि भारत के हैं। तो इनके विषय में हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखिए, भरत वतवानी एक मनोरोग चिकित्सक है। वे मुंबई की गलियों में रहने वाले मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज करते हैं। रमन मैग्सेस अवार्ड के द्वारा भरत वतवानी के सराहनीय कार्य को सम्मानित किया जा रहा है। दूसरे कौन है, सोनम वांगचुक। देखिए, सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक है। उन्होंने लद्दाख के निर्धन परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की थी 1988 में। इसके द्वारा लद्दाख के युवाओं को काफी नए अवसरों की प्राप्त हुए और उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया। थ्री इडियट्स फिल्म में फुंगसुक वांगडू का चरित्र सोनल वांगचुक से प्रेरित है, ठीक है। थ्री इडियट्स काफी प्रसिद्ध फिल्म है जिसमें आमिर खान ने मुख्य किरदार निभाया था। फुंगसुक वांगडू का चरित्र उन्होंने निभाया था जो कि सोनल वांगचुक से प्रेरित था, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, सोनम वांगचुक के बारे में हमने देखा और भरत वतवानी के बारे में देखा, जिन्हें रमन मैग्सेस अवार्ड मिल रहा है जो कि इंडिया से है, ठीक है। और ये भरत वतवानी, पूछा जा सकता है ये इनका पेशा क्या है, तो ये मनोरोग चिकित्सक है और ये मुंबई की गलियों में रहने वाले मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम रमन मैग्सेस अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये अवार्ड है क्या, इसके बारे में कुछ खास बातें। देखिए, रमन मैग्सेस अवार्ड एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड और फिलीपींस सरकार ने की थी। इसकी स्थापना फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेस की याद में की गई थी, जिनकी मृत्यु 1957 में एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष एशियाई देशों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो इससे पहले भी मैंने बताया था रमन मैग्सेस अवार्ड के बारे में, जो कि वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खास बात क्या है रमन मैग्सेस अवार्ड के बारे में, इसे एशिया का सबसे पहली बात, एशिया का सबसे बड़ा सम्मान है और इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। किसने की थी, रॉकफेलर्स ब्रदर्स फंड और फिलीपींस सरकार ने की थी। और इसकी स्थापना देखिए, पूछा जाता है किस देश के राष्ट्रपति के याद में की गई, तो ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेस की याद में की गई थी, और जिनकी मृत्यु 57 में हवाई दुर्घटना में हो गई थी। और ये हमेशा अगस्त महीने में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।